तो एवन एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें अगर पीडीएफ को कंप्रेस करना है तो वो इजीली हम कैसे कर सकते हैं। तो अब पीडीएफ को कंप्रेस करना ही क्या और कंप्रेशन का मीनिंग क्या है। कंप्रेशन का मीनिंग ये है कि आपको पीडीएफ का साइज रिड्यूस करना है, ठीक है। तो साइज का मीनिंग भी क्या है, साइज का मीनिंग ये नहीं है कि आप पेपर का साइज काट दोगे या उसको छोटा कर दोगे, वैसा नहीं। मेमोरी का साइज, कंप्रेशन का मतलब मेमोरी उसकी कम करनी है। जैसे आपको जानते हैं कोई भी फाइल होती है तो उसकी एक मेमोरी होती है, ठीक है। वो मेमोरी के जो यूनिट्स रहते हैं वो बाइट्स, किलोबाइट्स, ठीक है, और इस टाइप के मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स रहते हैं, ठीक है। तो जनरली जो बड़ी फाइल्स होती हैं वो गीगाबाइट्स में होती हैं, छोटी फाइल्स मेगाबाइट में, उससे छोटी केबी में, किलोबाइट्स में, ठीक है। और बाइट में तो बहुत कम फाइल्स रहती हैं क्योंकि इतनी कम मेमोरी होती नहीं है। तो पीडीएफ के केस में जनरली फाइल्स आपको मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा किलोबाइट में ही मिलती हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा मेगाबाइट में हो सकती हैं, ठीक है। गीगाबाइट में पीडीएफ फाइल्स जनरली नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, फिर भी अब हमने रिड्यूस करना है, कोई भी फाइल है उसका साइज़ रिड्यूस करना है, ठीक है। अब फाइल का जो साइज़ है, फ़ायदा क्या होता है रिड्यूस करने का। जैसे मान लीजिए आपने किसी फाइल को मेल के थ्रू ट्रांसफ़र करना है, आप किसी को भी भेजना हो सकता है, तो उस केस में क्या है, मेल की एक रिस्ट्रिक्शंस होती है कि इससे ज़्यादा एमबी की फाइल नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसके केस में, उस केस में आप या तो जिप बनाएं उसको कंप्रेस करें, या फिर आप नॉर्मल रिडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, साइज़ की। तो नॉर्मल रिडक्शन में थोड़ा नुकसान ये होता है कि क्वालिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। अगर आप जितना भी फाइल का साइज रिड्यूस करेंगे तो क्वालिटी उतनी ही ख़राब होती जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, देखने लायक तो होनी चाहिए फाइल। आप चेक कर सकते हैं कि फाइल देखने लायक है और कंप्रेस कर सकते हैं। तो अब कैसे करना है ये काम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप कर दीजिए हाउ टू कंप्रेस पीडीएफ फाइल ऑनलाइन सिंपली। तो ये मैंने सब टेस्ट किए हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है। किसी में पैसे मांगते हैं, किसी में हमारा ये लॉगिन मांगते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा, देखिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइट है पीडीएफ टू गो, ठीक है, पीडीएफ टू गो, तो उस पर काम चल जाता है हमारा। और जैसे ही हम पीडीएफ टू गो पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो खुल के आएगा इंटरफेस वो इस तरह से आएगा। आप जनरली इसको टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। देखिए ये लिखा ना पीडीएफ टू गो .com, ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको, तो आपको वहाँ टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। तो करना क्या, अब हमको कैसे करना है इसको, सिंपल है, चूज फाइल, फाइल को चूज करिए, ठीक है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए आपने फाइल कहाँ पर रखी, डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ कोई भी, और ये मैं डाउनलोड्स में पड़ी है फाइल, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड्स में से एक फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, मेरे पास डाउनलोड्स भरा पड़ा है। तो देखिए अब इसमें मैं कौन सी फाइल लूँ, ये ले लेते हैं DMCI क्लास 12 की, इसको भी अब रिड्यूस करना पड़ता है जनरली DMCs को, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसका साइज़ क्या है पहले देख लेते हैं, यहाँ पर भी साइज़, तो साइज़ आ गया ये 412 KB की फाइल है ये। इसको किया मैंने ओपन, ओपन का मतलब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये फाइल यहाँ पहुँच रही है और ये आ गई आपकी फाइल 412 KB की, ठीक है। अब मैंने इसको करना है कंप्रेस, सिंपल स्टार्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करना है। तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपका पूरा काम हो जाएगा, ये कंप्रेशन स्टार्ट हो गया है। कंप्रेशन स्टार्ट होते ही अपने आप फाइल आपके डाउनलोड्स में चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने कई बार कर चुका हूँ इसलिए ये बड़ा बार बार दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं डाउनलोड्स में चेक कर लेता हूँ अपनी फाइल को। तो मेरा डाउनलोड्स कहाँ गए, यहाँ पर ये डाउनलोड्स, इसको मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लूँ, या तो ये आ ही गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है फाइल, ये कंप्रेस्ड फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए 140 KB की फाइल है ये आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं कैसी है ये फाइल, क्वालिटी कैसी है इसकी, थोड़ा टाइम लेगी, हो गई है। तो इस टाइप की क्वालिटी है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रीडेबल है, नज़र आ रहा है आपको मार्क्स वगैरह ये सब? ठीक है, तो कुछ तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।